मेरा नबी मदीने के मिंबर पर बैठा हुआ है, हलाल बयान कर रहा है, हलाल बयान कर रहा है ना, वाजिब बयान कर रहा है, मकरूह बयान कर रहा है, मुस्तहब बयान कर रहा है, ये चीजें बयान कर रहा है ना। अच्छा, इतने में भाई तवज्जो रखना, मेरा नबी क्या कर रहा है? शरीयत बयान कर रहा है। भाई ये मेरे जुमले जहां जहां मेरे मोहतरम सुनने वाले सुन रहे हैं उनके जहनों में महफूज हो जाए। मेरा नबी मिंबर मदीना से शरीयत बयान कर रहा है। इतने में हुसैन दाखिल हुआ, और हुसैन दाखिल हुआ किसी के जिस्म से टकरा कर ठोकर खा के गिरा। भाई कह सकते थे रसूल अल्लाह अपने साथियों से कि मेरे नवासे को उठा लो। कह सकते थे या नहीं कि भाई मेरे नवासे को उठा लो, लेकिन कहा नहीं, खुतबा रोका, खुतबा रोका, मिंबर से उतरे, गए हुसैन को गोद में लिया, फिर मिंबर पे आए, उसी मकाम पे आके बैठ गए। एक ने दूसरे से कहा नवासे को बहुत चाहते हैं। भाई सुनना, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं। एक ने दूसरे से कहा कि नवासे को बहुत चाहते हैं, यह आवाज मोहम्मद के कान तक गई, कहने लगे नवासा नहीं है। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब शरीयत को रोक दिया या नहीं हुसैन के लिए? रसूल ने बयान कर रहे थे ना शरीयत को रसूल ने रोक दिया। अभी जुमला करूंगा कि मेरे रसूल ने क्या कहा, शरीयत को रोक दिया हुसैन के लिए। अब मैं, भाई तवज्जो रखिएगा, मैं अगर अपने नवासे को गोद में लेके बैठ जाऊं आपको क्या एतराज है? है कोई एतराज? भाई मेरा नवासा है, मैं उसे गोद में लेके जमीन पे बैठ जाऊं। लेकिन अगर मैं नवासे को गोद में लेके मिंबर पे आ जाऊं तो पूरा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि भाई आपका नवासा है, अपने जाती घर में जाके खिलाइए, ये सरकारी जगह है, यहां नवासे का गुजर नहीं है। तो या रसूल अल्लाह नवासा मुबारक हो, अगर गोद ही में लेना है तो अपने घर में जाके ले, ये मिंबर पे लेके कैसे आ गए? अगर हुसैन शरीयत ना होता। भाई बात अगर हुसैन, अगर मेरा हुसैन शरीयत ना होता तो मोहम्मद नवासे को गोद में लेकर मिंबर पे ना आ जाते। तो हलाल रुका हुआ है, भाई तवज्जो रखना, हराम रुका हुआ है, शरीयत रुकी हुई है, दीन रुका हुआ है, रसूल रोक कर जा रहे हैं नवासे को उठाने के लिए। तो वाज़े अल्फाज में बतला दिया कि शरीयत का हर हुक्म अहम है, मगर इमामत के बाद अहम है, इमामत से पहले अहम नहीं है। भाई बातें बात 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 बातें मेरे मोहतरम सुनने वालों तक पहुंच नहीं ना। भाई तवज्जो हाथ मब्दूल रखना, इसलिए जाना मुझे आगे। अब अगर मोहम्मद आया है इंसाफ के लिए तो तुम भी मोहम्मद के साथ इंसाफ करो। भाई मैं कैसे कहूं? जानते हैं मेरे सुनने वाले, देखो अब मुझे मोहम्मद से हुसैन तक और फिर हुसैन से मोहम्मद तक जाना है, लेकिन ये जुमले नागुजीर हैं। कहने लगे गोद में लेकर, एक ने कहा ना दूसरे से, किसी ने किसी से कहा कि नवासे को बहुत चाहते हैं, एक मरतबा आंखें डाली मजमे की आंखों में मेरे नबी ने, और कहने लगे हाजा हुसैनुन फारेफू हो वन शुरू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो और इसकी मदद करो। भाई बहुत 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 तवज्जो रखना, हाजा हुसैनुन फारेफू हो वन शुरू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो और इसकी मदद करो। अब मैं अर्ज करूं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में, भाई या रसूल अल्लाह खुतबे को खत्म हो जाने देते, शरीयत का बयान मुकम्मल हो जाता, फिर नवासे को गोद में ले लेते। कहा नहीं, ये अहम है। और क्यों अहम है? कि अगर मैं खुतबा दे रहा होता, तवज्जो रखना, अगर मैं खुतबा दे रहा होता तो उतना समझते जितना मैं खुतबे में बयान करता। मेरी बात मुकम्मल हो गई? अगर मैं खुतबा दे रहा होता तो उतना समझते जितना खुतबे में बयान करता, इसीलिए खुतबे को रोक रहा हूं कि अगर ये समझ में आ गया तो कयामत तक के मसाइल समझ में आ जाएंगे।
बस अजीब अजीब मरा हुआ।